हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड वीज़ा सब क्लासेस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, या ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी सब क्लासेस होती हैं फॉर पीआर, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको जो है सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले मैं जो है वीज़ा सब क्लासेस की बात कर लेता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पीआर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें टोटल जो है 3 सब क्लासेस होती है। फर्स्ट सब क्लास जो होती है वो होती है सब क्लास 189, सेकंड सब क्लास जो होती है वो होती है सब क्लास 190, एंड जो थर्ड सब क्लास होती है वो होती है सब क्लास 491। जो 189 सब क्लास है उसको स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं, जो 190 सब क्लास है उसको स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा या स्टेट स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी बोलते हैं, जो सब क्लास 491 है उसको स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा भी बोलते हैं, जो कि प्रोविजनल पीआर होती है। तो जो 3 तरह की सब क्लासेस हैं जो पीआर की होती है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मैं जो है इसमें इनकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें तो मैं आपको उसमें जो है क्या क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगा कि तीनों सब क्लासेस में जो है क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। आपको सबसे पहले जो है देखना होता है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो जो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है मेन एप्लीकेंट की एज। जो भी अगर आप मैरिड हैं तो मेन एप्लीकेंट जो है जो जिसके बिहाफ पे आप पीआर डाल रहे हैं वो मेन एप्लीकेंट होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ही जो है मेन एप्लीकेंट रहेंगे। तो मेन एप्लीकेंट की जो एज है वो 45 ईयर से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है 45 ईयर से ऊपर है तो आप इनमें से जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं किसी भी कैटेगरी के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो है 45 ईयर्स के ऊपर वाले जो है वो ये वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते या अपनी यूआई नहीं डाल सकते। तो सेकंड जो पॉइंट है वो होता है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट फ्रॉम रिलेवेंट असेसिंग बॉडी। तो आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है कि आप अकाउंटेंट हैं या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप मैनेजर हैं या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, जहाँ आप वेल्डर हैं, जहाँ आप ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपको अपना ऑक्यूपेशन सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है और उसके लिए आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई करना होता है फ्रॉम रिलेवेंट असेसिंग बॉडी। तो जैसे कि अगर आप अपनी असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अकाउंटेंट है वो CPA या CA ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो वेटसेस से जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। जो IT टेक्नीशियंस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो ACS ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से अपनी जो है स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं या और किसी भी टाइप के इंजीनियर हैं तो आप EA यानी कि इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑफशोर से अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन हैं वो वेटसेस की ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही होते हैं कि आप वेटसेस से जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनशोर हैं तो आप जैसे कि शेफ हैं या आप कोई भी ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हैं तो आप अपनी जो है TRA से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफशोर हैं तो आप अपने ट्रेड्स की भी जो स्किल असेसमेंट है वो वेटसेस से ही अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई करना चाहता है उसे अपना IELTS या PT का एग्जाम भी देना होता है। तो IELTS में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनकी 6 ईच है, PT में 50 ईच है। इसके बाद जो आ जाती है रिक्वायरमेंट वो होती है 60 पॉइंट्स मीट की। सो एलिजिबिलिटी के लिए आपके जो है मिनिमम 60 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप 189 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या 190 कर रहे हैं या 491 कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए। जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी एज पे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर्स पे, आपकी क्वालिफिकेशन के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के या अदर फैक्टर्स के, जैसे कि नाटी CCL का एग्जाम होता है। तो जैसे कि अगर आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में होती है तो आपको जो है 25 पॉइंट्स जो है एज के मिलते हैं। अगर आपकी 25 से 33 के बीच में जो एज ब्रैकेट है आपको 30 पॉइंट्स एज के मिलते हैं। अगर आपकी जो एज है वो 33 से 40 के बीच में है तो आपको जो है 25 पॉइंट्स मिलते हैं अगेन अपने जो है एज के। अगर आपकी 40 से 45 के बीच में एज है तो आपको सिर्फ 15 पॉइंट्स मिलते हैं एज के, और 45 के ऊपर वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही जैसे अगर आपके IELTS में 6 ईच हैं तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, 7 ईच के आपको जो है 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 8 ईच के आपको जो है 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th की हुई है और साथ में कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको जो है टोटल 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपने डिग्री की हुई है उसके आपको जो है 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्टडी है 2 साल की तो उसके आपको जो है 5 पॉइंट्स अलग से मिलते हैं। सो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी जो है वो डिपेंड करते हैं आपका कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है ऑफशोर या ऑनशोर।
मैं पॉइंट्स पे भी जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारा जो है इसकी कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। सो लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है ऑक्यूपेशन इन रिलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। जैसे कि आप 189 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जब 190 कर रहे हैं, जब 491 के लिए अपनी जो है EOI डाल रहे हैं, तो आपको जो है देखना होता है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो उस रिलेवेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं। जैसे कि मान लो जो अकाउंटेंट है तो उनका जो ANSCO है वो 2211111 है, और वो तीनों ही स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। लेकिन अगर आप कोई और ऑक्यूपेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मान लो आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो 189 सब क्लास की लिस्ट में ना हो, लेकिन आपका ऑक्यूपेशन आपको 190 एंड 491 में मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपकी जो है रिलेवेंट स्किल लिस्ट में भी होना चाहिए। सबसे एंड में आपको बताना चाहूँगा कि जो 60 पॉइंट की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 60.5 पॉइंट्स जो है अचीव कर लिए तो आपको जो है गारंटीड इनविटेशन आएगा। जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उनको पहले इनविटेशन आता है। अगर आप 189 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मान लो आपके 65 पॉइंट्स हैं, जिसके 85 है उसको पहले इनविटेशन आएगा, उसके बाद अगर वो 80 वालों को इनवाइट करते हैं तो 80 वालों को आएगा, उसके बाद 75, 70 एंड देन 65 वालों की जो है बारी आती है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑक्यूपेशन की वहाँ पे क्या डिमांड है, और जो लास्ट इन्विटेशन राउंड हुआ था उसमें उन्होंने किस पॉइंट स्कोर पे आपके ऑक्यूपेशन वाले जो है एप्लीकेंट्स हैं उनको पिक किया था। इट ऑल्सो डिपेंड्स, जो 190 वीज़ा है या 491 वीज़ा है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस और आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि जो उस स्टेट में जो है आपके ऑक्यूपेशन की कितनी ज़रूरत है। और उसमें भी वैसे तो वो जो होता है हायर पॉइंट्स वालों को पहले उठाते हैं, दूसरों को बाद में उठाते हैं। सो गाइस, दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया PR प्रोसेस। इसमें मैंने आपको तीनों सब क्लासेस के बारे में भी बता दिया है, और मैं तीनों सब क्लासेस पे एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या उनमें डिफरेंस है, और मैं पॉइंट सिस्टम पे भी जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने जो है पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। अगर आप भी जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, या अपनी जो है एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप हमें जो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप हमें अपने अपडेटेड रिज्यूमे के साथ ही कॉल करें, या अपना जो है अपडेटेड रिज्यूमे ही हमें व्हाट्सएप या ईमेल करें, जिसमें आपकी अपडेटेड क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जरूर मेंशन हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।